नंबर 1, सैमसंग कंपनी शुरुआत में नूडल्स बेचने का काम करती थी और फिर नूडल्स की प्रोडक्शन में भी कदम रखा। लेकिन 1970 में सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो था सैमसंग 12 इंच ब्लैक एंड वाइट टीवी। सैमसंग के बारे में मजीद दिलचस्प हकीकतें आप जान सकेंगे। नंबर 9, हकीकत सुनकर आप ये वीडियो शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सैमसंग के कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को कंस्ट्रक्ट किया था और वो कोई और नहीं दुबई में वाके बुर्जुल खलीफा है। नंबर 3, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के पास दुनिया भर में 3,70,000 मुलाजमीन हैं, एप्पल के पास 80,000 और माइक्रोसॉफ्ट के पास 97,106। नंबर 4, कोरिया की 17% मजमुई प्रोडक्ट्स का क्रेडिट सैमसंग को जाता है। नंबर 5, सैमसंग ने पिछले साल 4,000 मिलियन डॉलर एडवर्टाइजिंग में खर्च किए। 3,500 मिलियन कोको कोला ने, 1,500 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने और एप्पल ने सिर्फ 1,000 मिलियन खर्च किए। नंबर 6, सैमसंग के पुराने लोगो कुछ इस तरह दिखते थे। नंबर 7, सैमसंग ने साउथ कोरियन आर्मी के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मोबाइल आर्टिलरी तैयार की थी। नंबर 8, स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 1 मिनट में सैमसंग के 100 सैमसंग टीवी बिकते हैं। नंबर 9, सैमसंग कंपनी अभी तक एप्पल फोन्स के लिए रेटिना डिस्प्ले चिप बनाती है। नंबर 10, सैमसंग के चेयरमैन को अपनी कंपनी को सिर्फ डिफाइन करने में 3 दिन लग गए थे। उसके लिए चेयरमैन ने जो स्पीच की थी उसने एक पूरी किताब की शक्ल इख्तियार की थी। नंबर 11, सैमसंग ने जर्मनी के एक कोर्ट में एप्पल के ऊपर एक केस किया था। उसकी वजह यह थी कि एप्पल ने सैमसंग की बनाई हुई सिर्फ एक स्माइली अपने फोन में इस्तेमाल की थी। नंबर 12, 1995 में सैमसंग के सीईओ ने अपनी कंपनी की लो क्वालिटी प्रोडक्ट से तंग आकर एक बहुत बड़ी बॉनफायर लगवाई और कंपनी के 2,000 मुलाजमीन को बॉनफायर पे इनवाइट करके उनके सामने 50 मिलियन डॉलर की मालियत के सैमसंग फोन्स को आग में फेंक दिया था। उस वक्त कई मुलाजमीन जारो कतार रोने लग पड़े थे। नंबर 13, सैमसंग के एक बयानिए में कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी के कस्टमर्स कंपनी पर केस करने के हकदार नहीं है, खास तौर पर अगर फोन में आग लग गई हो। नंबर 14, 2004 में सैमसंग को ये मौका मिला था कि वो एंड्रॉयड को खरीद ले, मगर सैमसंग को एंड्रॉयड में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से सैमसंग ने खरीदने से इनकार कर दिया और एक हफ्ते बाद एंड्रॉयड को गूगल ने खरीद लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें।